आपका दोस्त गणेश चौपाल अब सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल होम टेक की दुनिया में हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ अति बुद्धिमान लोगों का मानना है कि हिंदू धर्म में कुल 33 करोड़ देवी देवता है, तो वहीं कुछ का मानना है कि 33 करोड़ नहीं बल्कि हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता है। हम जानते हैं, अब आपके मन में ये प्रश्न आया होगा कि आखिर इन दोनों में से कौन सा तथ्य सच है। बहुत से लोग आज तक इसी संदर्भ को लेकर उलझन में हैं। कुछ लोग तो इसे लेकर आपस में बहस करने लग जाते हैं, परंतु सवाल ये है आखिर इसका सच क्या है। चलिए आज हम आपको बताते हैं इससे जुड़ी खास जानकारी, जिसे जानने के बाद शायद आप में से बहुत से लोगों की असमंजस दूर हो सकती है। दरअसल हिंद धर्म के ग्रंथों में कोटि यह देवभाषा संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रकार। अर्थात हिंदू धर्म में 33 करोड़ नहीं बल्कि 33 कोटि यानी प्रकार के देवी देवता हैं। तो आप में से जो भी लोग आज तक ये सोचे बैठे हैं कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल दें। जब संस्कृत हिंदू धार्मिक ग्रंथों का अन्य भाषाओं में अनुवाद किया गया, उस समय अनुवादकों ने गलती से कोटि शब्द का करोड़ अनुवाद किया, जो सर्वथा गलत है। वेदों में जिन देवताओं का उल्लेख किया गया है, उनमें से अधिकतर प्राकृतिक शक्तियों के नाम है जिन्हें देव कहकर संबोधित किया गया है। इन प्राकृतिक शक्तियों को मुख्यतः आदित्य समूह, वसु समूह, रुद्र समूह, मरुद्गण समूह, प्रजापति समूह आदि समूहों में बांटा गया है। वैदिक विद्वानों के अनुसार 33 प्रकार के अवयव या पदार्थ होते हैं जिन्हें देवों की संज्ञा दी गई है। हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान की गहरी अवस्था में 33 प्रकार के अवयव जाने थे। परमात्मा ने जो 33 अवयव बनाए हैं, वैदिक ऋषि उसी की बात कर रहे हैं। इन 33 अवयवों से ही प्रकृति और जीवन का संचालन होता है। वेदों के अनुसार हमें इन 33 पदार्थों या अवयवों को महत्व देना चाहिए, इनका ध्यान करना चाहिए, तो ये पुष्ट हो जाते हैं। आइए दोस्तों, अब हम इन 33 कोटि देवताओं के बारे में जानकारी लेते हैं। इन 33 में से 8 वसु है। वसु अर्थात हमें बसाने वाले आत्मा का जहां वास होता है। ये 8 वसु हैं: 1 धरती, 2 जल, 3 अग्नि, 4 वायु, 5 आकाश, 6 चंद्रमा, 7 सूर्य और 8 नक्षत्र। ये 8 वसु प्रजा को बसाने वाले अर्थात धारण या पालने वाले हैं। इसी तरह 11 रुद्र आते हैं। दरअसल यह रुद्र शरीर के अवयव है। जब यह अवयव एक एक करके शरीर से निकल जाते हैं तो यह रोदन कराने वाले होते हैं, अर्थात जब मनुष्य मर जाता है तो उसके भीतर के यह सभी 11 रुद्र निकल जाते हैं, जिनके निकलने के बाद उसे मृत मान लिया जाता है। तब उसके सगे संबंधी उसके समक्ष रोते हैं, इसलिए इन अवयवों को रुद्र कहा गया है। शरीर से निकलने वाले इन रुद्रों के नाम हैं: 1 प्राण, 2 अपान, 3 व्यान, 4 समान, 5 उदान, 6 नाग, 7 कूर्म, 8 किरकल, 9 देवदत्त और 10 धनंजय। प्रथम 5 प्राण और दूसरे 5 उपप्राण हैं। अंत में 11वां जीवात्मा है। ये 11 रुद्र जब शरीर से निकल जाते हैं तो सगे संबंधी रोने लग जाते हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं रुद्र। रुद्र अर्थात रुलाने वाला। इसके अलावा 12 आदित्य होते हैं। आदित्य सूर्य को कहते हैं। भारतीय कैलेंडर सूर्य पर ही आधारित है। समय के 12 माह को 12 आदित्य कहते हैं। इन्हें आदित्य इसलिए कहते हैं क्योंकि यह हमारी आयु को हरते हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है हमारी आयु घटती जाती है। ये 12 आदित्य 12 माह के नाम हैं। जैसे 1 अंशुमान, 2 अर्यमन, 3 इंद्र, 4 त्वष्टा, 5 धातु, 6 पर्जन्य, 7 पूषा, 8 भग, 9 मित्र, 10 वरुण, 11 विवस्वान और 12 विष्णु। सूर्य की 12 रश्मियों को भी इन्हीं की श्रेणी में रखा गया है। 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य को मिलाकर कुल हुए 31 अवयव। 32वां है इंद्र। इंद्र का अर्थ बिजली या ऊर्जा होता है। 33वां है यज्ञ। यज्ञ अर्थात प्रजापति, जिससे वायु, दृष्टि, जल और हमारा शिल्प शास्त्र उन्नत होता है तथा औषधियां उत्पन्न होती है। ये 33 कोटि अर्थात 33 प्रकार के अवयव हैं जिन्हें देव कहा गया। देव का अर्थ होता है दिव्य गुणों से युक्त। हमें ईश्वर ने जिस रूप में यह 33 पदार्थ दिए हैं, उसी रूप में उन्हें शुद्ध, निर्मल और पवित्र बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई है। इस तरह की हमारी अन्य वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को भी ऑन कीजिए, ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को हम ईश्वर समर्पित करते हैं। धन्यवाद।